तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं गेवर मेरा नाम। और आपकी भारी डिमांड पे हम लाए हैं हाउस बिल्ड चैलेंज का अगला पार्ट, जिसमें हम बनाएंगे ट्री हाउस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेआउट तो हमने अपने घर की पहले से बना ही रखी थी, जैसे पहले भी बनाई थी, और उसके बाद हमने शुरुआत करी बेसिक फाउंडेशन से। और यहाँ पे हमने एक लगाया गेट, और अभी के लिए हम जाते हैं बाहर टेम्पररी। और मैंने सोचा कि अब ऊपर की भी तैयारी कर ही ली जाए, तो मैंने ऊपर की भी फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया और जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट भी कर दिया। तो अब आ रही थी थोड़ी खिड़कियाँ और साइड की चीज़ें बनाने की, तो मैंने जल्दी से जल्दी सारा साइड का काम भी पूरा कर दिया। तो ये काम करते करते तो रात हो चुकी थी, और अब बारी थी अगले काम की। तो अब हमने डालनी शुरू करी खपरेल। भाई भाई, कम से कम अब तो खपरेल को इंग्लिश में बोल दे। ओके ओके भाई, रूफिंग टाइल्स। तो अब बारी थी रूफिंग टाइल्स डालने। हाँ आप ठीक है। तो अब हमें पूरी खपरेल रूफिंग टाइल्स डालनी थी, और हमने जल्दी से जल्दी रूफिंग टाइल्स डाल दी। तो रूफिंग टाइल जल्दी से जल्दी डाल के अब हमने शुरू करा छज्जा बनाना। मुझे नहीं पता इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको पता है तो कमेंट में बता देना। और छज्जा डालने के बाद अब बारी थी सीढ़ी बनाने की, तो मैंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद अब सीढ़ी भी बना ली थी। और सीढ़ी बनने के बाद हमारा हाउस थोड़ा बहुत हाउस जैसा लग रहा था। और उसके बाद हमने चारों तरफ फेंस लगाई, और फेंस लगने के बाद हमारा घर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया था, लेकिन सीढ़ी में अब भी कुछ कमी थी, तो मैंने यहाँ पे लगाई स्लैब्स। तो ये सीढ़ी का काम खत्म करने के बाद अब बारी थी ग्लास लगाने की और टॉर्च लगाने की। तो ग्लास और टॉर्च लगाने के बाद अब हमने सोचा कि इस साइड भी फेंस लगा देते हैं। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी हमने फेंस लगा दी, वरना यहाँ से कोई गिर जाता। और उसके बाद अब हमने स्लैब की जगह यहाँ पे एक ब्लॉक्स का पैटर्न बनाने की सोची, जिससे हम यहाँ पे लालटेन्स लगा सकें। और मैंने यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये सब कर दिया, और अब हमारा ट्री हाउस थोड़ा बहुत ट्री हाउस जैसा लगने लगा था। और अब बारी थी अंदर से सजाने की। तो अब बारी थी लैडर्स लगाने की, तो मैंने यहाँ पे लगाई कुछ लालटेन्स और अंदर लगा दी लैडर्स। तो उसके बाद हमने तोड़ी एक लैडर और उसकी जगह लगा दिया ट्रैप डोर, ताकि यहाँ से कोई गिर ना जाए। उसके बाद बारी थी चारों तरफ ग्लास लगाने की, और मैंने जल्दी से जल्दी चारों तरफ ग्लास लगा दिए और टॉर्च भी लगा दी। और ये सब होने के बाद हमारा ट्री हाउस बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। और अब हमारे ट्री हाउस को परफेक्ट ट्री हाउस दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लीव्स लगा दी, और ये लीव्स लगाने के बाद हमारा ट्री हाउस बहुत ही अच्छा दिखता। और ये लीव्स लगाने के बाद हमने यहाँ पे लगा दी लालटेन्स, जो मेरे को यकीन था कि लालटेन्स बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। तो अब उसके बाद हमने अपने ट्री हाउस का लिया ओवरव्यू, और हमारा ट्री हाउस सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब फाइनली बारी थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। तो उसके बाद मैंने लिया बेड और इन दोनों जगह पे लगा दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई चेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे लगाए दो बैरल। अब बैरल लगने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे दो एनविल भी रख दिए जाएं। और यहाँ पे मैंने रखी है क्राफ्टिंग टेबल, और उसके बाद टाइम था दो एनविल रखने का, तो मैंने लिए दो एनविल और यहाँ पे रख दिए। और उसके बाद फिर से हमने एक बार लिया अपने घर का आउटर व्यू, क्योंकि मुझे मेरा घर बहुत ही पसंद आ रहा था। और यहाँ पे लगाई मैंने एक स्लैब, और सच में हमारा घर कितना सुंदर दिख रहा था इन सनलाइट्स में। और उसके बाद फाइनली बारी थी चीट्स की। तो चीट्स बहुत ही काम आएंगे, तो मैंने यहाँ पे लगाई एक स्लैब, और उसके बाद लिया एक बैरियर ब्लॉक। अगर आपको बैरियर ब्लॉक पता नहीं क्या होता है, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और मैंने बैरियर ब्लॉक लेने के बाद यहाँ पे जल्दी से जल्दी लगा दिया, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मैंने यहाँ पे एक लैडर लगाई, जिससे ट्री हाउस जैसा लगे, और बहुत ही बढ़िया लग रही थी ये। तो अगर आपने असली ट्री हाउस देखा है तो कमेंट में बताना, मैंने तो मूवीज़ में ही देखा है। और हमारा ट्री हाउस बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अब बारी थी अपने दोस्त को हमारा ट्री हाउस दिखाने की, और सच में ट्री हाउस देखते समय मेरे दोस्त और मैंने देखा इतना बेहतरीन व्यू। और उसके बाद बारी थी हमारे दोस्त का ट्री हाउस देखने की, तो मैंने लिया उसकी ट्री हाउस का टूर, और वो शायद बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था।
अंदर जाके उसने पहली बार कपड़े पहना हुआ आर्मर स्टैंड रखा था और बेड फर्नेस सब जरूरी चीज़ें। उसके बाद ऊपर जाके देखा तो वहाँ बहुत ही कम स्पेस था जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और ऊपर तो कुछ अलग ही मांजरा चल रहा था। तो भाइयों बहनों, आप ही इस ट्री हाउस बिल्ड चैलेंज के जज हैं, बताइए कि किसका हाउस ज़्यादा बढ़िया बना है, मेरा या मेरे दोस्त का। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो यानी 2 मिनट हाउस बिल्ड चैलेंज वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, यहाँ क्या कर रहे हो भाई, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।